कास्टिंग काउच ये वर्ड सुनने में जितना अटपटा लगता है, लेकिन इसका मतलब दिल दहला देने वाला और जमीर झकझोर देने वाला होता है। फिल्मों में इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, यानी कि रोल पाने के लिए हीरोइनों को फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवन एक्टर के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। इसे कोई भी इंडस्ट्री अछूती नहीं है, फिर वो चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, या फिर हो हमारी छोटी मोटी भोजपुरी इंडस्ट्री। जी हाँ, इस कास्टिंग काउच का शिकार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी है। कास्टिंग काउच विद्या बालन से लेकर प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा से लेकर राधिका आप्टे, यहाँ तक कि बॉलीवुड के हैंडसम हंग रणवीर सिंह भी इससे अछूते नहीं है। खैर, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की हीरोइने तो अब सीधे तौर पर कास्टिंग काउच का विरोध करती है। ये एक्सेप्ट करती है कि बॉलीवुड में सरवाइव करता है कास्टिंग काउच, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तो इसे लोग एक्सेप्ट तक नहीं करते। जबकि सबसे ज्यादा हीरोइने कॉम्प्रोमाइज का शिकार यही होती है, लेकिन हीरोइने इस कारण चुप रह जाती है कि कहीं वो मुंह खोलेंगी तो उनके हाथ आया प्रोजेक्ट, यानी कि उनके हाथ आई फिल्म उनके हाथ से चली न जाए। इसलिए यहाँ की हीरोइने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती है। भोजपुरी की लगभग हर बड़ी हीरोइन कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है, और उनके बर्ताव से ये लगता है कि इस चीज को वो एक्सेप्ट भी करने लगे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता कि इसका विरोध कर सके। वैसे हमारी इन भोजपुरी हीरोइनों को बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोइनों से कुछ सीखना चाहिए कि भले ही वो विरोध न कर सके, लेकिन ये तो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सरवाइव करता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।